हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट टाटा पंच। टाटा पंच का ये बेस मॉडल है। इस बेस मॉडल के अंदर हम एसेसरी अपग्रेड करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंटीरियर, तो ये हमारा ऊपर का जो बेसिक सिस्टम का ये होता है फ्रेम, ये हमारी निकल चुकी है। कुछ इस टाइप से ये लगा होता है, मैं आपको लगा कर भी चेक करा देता हूँ। कुछ इस टाइप से ये लगा होता है, इस टाइप से पोजिशनिंग होती है। तो इसके ऊपर कुछ भी आपको सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप टॉप वेरिएंट परचेज करते हैं तो उसमें आपको सिस्टम वगैरह कंपनी ऑफर करती है। ये बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में टाटा पंच की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है, बट कंपनी आपको ये सारी चीज़ें नहीं देती है। एज एसेसरी आप बाहर से लगवा सकते हैं, बट वो कपलर टू कपलर होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कपलर टू कपलर कैसे फिटिंग हम करने वाले हैं। एंड साथ में अगर हम आपको दिखाएं डैशबोर्ड के साथ में जो डोर पैनल्स हैं वो, तो कंपनी आपको स्पीकर्स भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पर आप देखिए, ये सिर्फ खाली स्पेस देती है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीकर्स वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपडेट करा सकते हैं। तो ये आप देखिए, डोर कुछ इस टाइप से दिखता है गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट डोर है टाटा पंच का। काफ़ी हैवी दे रही है कंपनी डोर। अगर टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी, एंड साथ में आपको डोर भी काफ़ी हैवी मिलता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो पाइनियर के कंपोनेंट इसमें फिट करने वाले हैं गाड़ी के फ्रंट डोर में। यहाँ पर हमारे ट्विटर प्लेस होंगे, यहाँ पर हमारा जो क्रॉसओवर है वो फिट होगा, एंड साथ में यहाँ पर हमारा मेन स्पीकर फिट होगा पाइनियर का। इसी के साथ में अगर हम बैक डोर्स की बात करें तो आपको जो रियर डोर्स हैं वो कुछ इस टाइप से मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये वायरिंग हम लेकर आए हैं। कंपनी आपको इसके अंदर वायरिंग भी नहीं देती है, ये कपलर वगैरह कुछ भी नहीं देती है। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल विंडो मिलती है, तो इस मैनुअल को आप इसमें आप विंडोज़ वगैरह अपग्रेड करा सकते हैं ऑटोमेटिक वाली, तो वो भी अपने पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अंदर में हमारा जो स्पीकर है वो यहाँ पर फिट होगा, यहाँ पर ट्विटर प्लेस होंगे। इसके अंदर में आपको ट्विटर वगैरह कंपनी नहीं देती है, सिर्फ टॉप वेरियंट में देती है। तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ी हुई है, तो इसी में हमारा ट्विटर प्लेस होगा, एंड यहाँ पर हमारा क्रॉसओवर वगैरह लग जाएगा। तो ये भी स्पीकर प्लेसमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में डैम्पिंग का एक आपके पास में ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग कराना तो डोर पे आप डैम्पिंग करा सकते हैं। बैक साइड में आपको कैमरा नहीं मिलता है, तो रियर व्यू कैमरा हम यहाँ पर फिट कर रहे हैं, ऑटोमूविंग कैमरा। ये टाटा पंच का आपको कुछ रियर प्रोफाइल मिलता है इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारी जो कैमरा की वायरिंग है वो भी यहाँ पर चल रही है। स्टीरियो सिस्टम की बात करें तो हम गाड़ी के अंदर अल्फा वन कंपनी का स्टीरियो अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ आपको इस टाइप से पूरी जो फ्रेमिंग है वो यहाँ पर मिलती है जो कंपनी आपको देती है। अब हम इसमें अपनी फ्रेम वगैरह फिट करेंगे, जो आफ्टर मार्केट पूरा स्टीरियो वगैरह आता है वो अब आपको चेक कराते हैं। स्टीरियो की अल्फा वन कंपनी का स्टीरियो 9 इंचेस के साथ में आता है, जिसके अंदर आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है। एंड्रॉइड 10 पे सपोर्टिव है, नेविगेशन रेडी है, फोन लिंकिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, एंड साथ में आपको ब्लूटूथ भी इसके अंदर में मिलता है। अगर हम इसको देखें तो कुछ आपको इस टाइप से इसकी पूरी फ्रेमिंग मिलती है। स्क्रैचेस सिर्फ इसके ये वाली जो पॉलीथीन है इस पे हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको काफ़ी अच्छे ग्लॉस के साथ में मिलता है स्टीरियो सिस्टम। एंड साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सारे कपलर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें आपको माइक वगैरह मिलता है, एंड जो भी आपके लिए जो डेडिकेटेडली स्टीरियो को ज़रूरत होती है जिस वायरिंग की, वो सारी वायरिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट आता है, एंड साथ में जब ये लगेगा ना फिट होगा तो आपको गाड़ी के अंदर सिस्टम दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। जो स्टीरियो सिस्टम आता है वो 9 इंचेस का आता है, इसके लिए 9 इंचेस की फ्रेम भी लगती है। तो 9 इंचेस की फ्रेम में आपको चेक कराएंगे जो टाटा पंच की आती है, एंड इसके साथ में कपलर भी आपको चेक कराएंगे। स्पीकर्स की बात करें तो ये स्पीकर्स लग रहे हैं हमारे गाड़ी के अंदर में, कंपोनेंट स्पीकर लग रहे हैं पाइनियर के। ये आप देख सकते हैं 390 वॉट्स के मैक्सिमम आउटपुट के साथ में 16 सेंटीमीटर के हैं ये, और कुछ इस टाइप से आपको इनका जो पूरा है विजुअलाइजेशन मिलता है। अब यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं स्पीकर पाइनियर के। एंड साथ में अगर पीछे से आपको दिखाएं तो ये कुछ आपको इसकी पूरी बैजिंग वगैरह मिल जाती है इस टाइप से, ये पीछे से आपको फ्रेमिंग मिलती है इसकी। और यहाँ पर हमारा जो पाइनियर की है बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ट्विटर है, ये पाइनियर की बैजिंग के साथ आता है। ट्विटर भी काफ़ी अच्छा आपको झनकार देता है, तो ये ट्विटर है इसका प्यारा सा। एंड साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके क्रॉसओवर, बहुत छोटे हैं क्रॉसओवर, एंड आपको जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा देते हैं। पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क है ये, एम्पलीफायर यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेम है टाटा पंच के स्टीरियो के लिए, ये फ्रेम आती है, ये फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम जो हमारी फ्रेम है वो इस टाइप से फिट करेंगे। अब इसके अंदर में सिस्टम भी आएगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फ्रेम है वो कैसे फिट होती है। तो यहाँ पर लॉक्स दिए होते हैं, इसको जस्ट हमने प्रेस कर दिया ना, तो इसके अंदर में पूरा प्रॉपरली ये फिट हो जाएगा, एंड ऊपर ये सिस्टम आता है। तो सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। 9 इंचेस का इसके अंदर में सिस्टम लग रहा है, आपके पास में ऑप्शन होता है 9 इंच से कम भी जाने का, 8 इंचेस में भी आप जा सकते हैं, बट 9 इंचेस बेस्ट होता है, जिसमें व्यूइंग एंगल काफ़ी अमेजिंग आता है। सबसे पहले तो हम आपको टाटा पंच का जो कपलर है वो दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये आपको यहाँ पर कपलर मिलता है, एंड हम यहाँ पर स्टीरियो फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कपलर इसलिए कंपनी देती है, अगर आपके पास में टाटा पंच है तो टाटा पंच के अंदर आप सिंगल डिन भी लगवा सकते हैं। इसमें ये चीज़ भी कंपनी देती है, यहाँ पर सिंगल डिन लग जाता है, एंड अगर आपको टच लगवाना है तो ऊपर आप बेसिकली वो चीज़ लगवा सकते हैं, बट यहाँ पर कपलर देती है, तो हमको कपलर को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाना होगा। एंड ये आप देख सकते हैं कपलर होता है इसका,
ये ऐसा कुछ कपलर दिखता है। ये कपलर आपको एंड्रॉइड के साथ में मिलता है और जो फ्रेम आती है उसके साथ में मिलता है, जो कि कपलर टू कपलर फिटमेंट के लिए हेल्प करता है, स्पेशली टाटा पंच के लिए। और जो भी आपकी गाड़ी होती है ना, जितनी भी टाइप की गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए अलग अलग कपलर लूम आती है एंड साथ में जो फ्रेमिंग है वो अलग अलग रहती है। तो ये गाड़ी में स्पीकर्स लगाने के लिए हम यहाँ पर ये फ्रेमिंग केस कर रहे हैं। ये फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसी के ऊपर स्पीकर प्लेस होंगे। क्या है, अगर हम ये बॉडी से गाड़ी के स्पीकर्स को टच कर देंगे तो कुछ टाइम बाद ना वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेगी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये फ्रेमिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्पीकर्स वगैरह को फिट करने के लिए। काफ़ी अच्छा स्पेस भी गाड़ी के स्पीकर्स को मिल जाता है। फिटर हमारा यहाँ पर प्लेस्ड हो चुका है, फिटर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये हमारा मेन स्पीकर प्लेस्ड हो चुका है पाइनियर की, यहाँ पर आपको बैजिंग भी देखने को मिलेगी। एंड ये हमारा जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पर फिट है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एलिगेंट फील में पूरा जो फिटमेंट है वो करा है, जिससे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। एंड यहाँ आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके में वायरिंग करी है अच्छी तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं टाटा पंच के जो स्टीरियो सिस्टम है उसकी वायरिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं। एंड ये हमारा स्टीरियो सिस्टम है अल्फा वन कंपनी का, जो प्रॉपरली फिट हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रेम है जिसके अंदर में हम इसको केस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अल्फा वन कंपनी का एंड्रॉइड स्टीरियो है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिट हो जाता है। एंड जो भी आपकी गाड़ी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रेम आती है। एंड्रॉइड 7 inches में आता है, 9, 10 और 10.1 में। तो अपनी अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग ये स्टीरियो फिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, पंच का जो पूरा फ्रेमिंग है उसी हिसाब से हम इसको फिट कर रहे हैं। तो इस टाटा पंच के अंदर कम्प्लीट वर्क हो चुका है। कैसे ये सक्सेसफुल अपग्रेडेशन हुआ है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइनियर के कॉम्पोनेंट सिस्टम की। फ्रंट में एज वेल एज रियर डोर में पाइनियर के कॉम्पोनेंट्स लगे हैं, जो हमने आपको बताए थे। ट्विटर की प्लेसमेंट एज इट इज यहाँ पर फिटमेंट करी है, इसी के साथ में क्रॉसओवर यहाँ पर फिट किया है। एंड हमारा जो मेन स्पीकर है वो यहाँ पर फिट हुआ है, साथ में रियर साइड में भी ऐसे ही प्लेसमेंट करी है। एंड आप देख सकते हैं इनके डोर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर फिटमेंट है, एक भी आपको 19-20 देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पर करिए, इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी 19-20 ना आए। बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्शन के साथ में यहाँ पर फिटमेंट हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो मेन स्टीरियो सिस्टम है वो यहाँ पर फिट हो चुका है एज इट इज, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर फिटमेंट है। कोई भी यहाँ से आपको वायरिंग वगैरह एक्सपोज देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर वे में काम हुआ है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में पूरा काम हुआ है। बैक साइड से भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा साइड ओवरव्यू से। मतलब अगर आप गाड़ी सामने से भी देखेंगे ना, तो पीछे से ऐसा ही लगेगा कि इसमें आफ्टर मार्केट लगा है, ऐसा ही लगेगा कि पूरा कंपनी से काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टीरियो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर म्यूज़िक है, यहाँ पर वॉच है, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल वॉच दोनों अवेलेबल है। नेविगेशन, ब्लूटूथ, एप्लीकेशन, थीम, रेडियो आपको यहाँ पर मिल जाता है। हम यहाँ पर एक और चीज़ आपको चेक कराना चाहेंगे, जैसे ही हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा ये ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ आता है एंड हेडलाइट्स भी ऑन हो जाती है। यहाँ आप देखिए ये हेडलाइट्स ऑन कर दी ना हमने, एंड जैसे ही हम हेडलाइट्स को ऑफ करेंगे तो यहाँ से हेडलाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये ऑटो डिम फीचर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड यहाँ से जो लाइटिंग है ना वो भी बंद हो जाती है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। सेटिंग्स आपको मिल जाती है, बूट एनिमेशन, क्रोम यहाँ से आप देख सकते हैं, इजी कनेक्शन है, इक्वलाइजर है, इसी के साथ में आपको यूट्यूब वगैरह भी इसमें मिल जाता है, ये देखिए आप, और नेटफ्लिक्स वगैरह भी आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर ये है, इक्वलाइजर इसके अंदर मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको इसके अंदर ये चीज़ मिलती है इक्वलाइजर का, कि आप अपने साउंड को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और बहुत ही प्रीमियम फील होता है। तो मुझे पर्सनली ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी लगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हेडलाइट जस्ट अभी मैंने ऑन करी है, कि यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन लाइट भी मिलती है। मतलब आप नाइट टाइम में ड्राइव वगैरह करते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इल्यूमिनेशन लाइट आपको यहाँ पर मिलती है एज इट इज़, आपने हेडलाइट बंद कर दी, इल्यूमिनेशन लाइट भी बंद हो जाएगी। मतलब आप डे टाइम में गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको वीडियो आउटपुट देखने को मिलता है। ये आप कहीं से भी देखेंगे ना, मतलब कि आप नीचे से देखिए या फिर ऊपर से देखिए, आपको कहीं पर भी नेगेटिव इमेज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये IPS डिस्प्ले का कमाल है, इसके अंदर IPS डिस्प्ले का यूज़ किया है 9 inches के स्टीरियो सिस्टम में, जिसमें आपको नेगेटिव इमेज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। पहले वो TV में हुआ करता था ना कि साइड से देखते थे तो अलग इमेज दिखती थी, बट यहाँ आप देखिए ऊपर नीचे कहीं पर भी आप देखेंगे ना, तो IPS पैनल का यही यूज़ होता है कि IPS पैनल में कहीं भी कोई से भी एंगल से आप अगर देखेंगे ना, तो आपको इमेज क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगी। ये थी कुछ आज की टाटा पंच की वीडियो। वी होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, इसी और सारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।